हाय गाइस, आई एम डॉक्टर यूबी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आप देख रहे हैं, ये है ड्यूरेक्स का लूप सेंसुअल 2-in-1 जेल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम इंटीमेट लूप्स के ही बारे में बात करने वाले हैं। इन पर्टिकुलर मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूरेक्स का 2-in-1 सेंसुअल जेल किस लिए यूज होता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, वगैरह वगैरह। और हम इन जनरल सभी इंटीमेट लूप्स के बारे में बात करेंगे। गाइस, जब आप ड्यूरेक्स के किसी शॉपिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, चाहे वो किसी वेबसाइट के जरिए या फिर ऑफलाइन स्टोर पर, तो वहां पर आपको बहुत सारे प्ले जेल्स दिखाई देते हैं, जहां आप देखते हैं कि ये सेंसुअल जेल्स हैं या फिर इनका सेक्स से कोई कनेक्शन है। पर आपको ये क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिर ये होते क्या है, इनके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, सेक्स में इनका यूज कैसे किया जाता है और इनके बेसिकली फायदे क्या हैं, यानी हम एक लूब का यूज क्यों करें। तो गाइस, इस बारे में मैं आपको सारी बात आज क्लियर कर दूंगा और ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लगेगा कि ये कितने काम की चीज है। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। आप देखेंगे कि कुछ वाटर बेस्ड जेल होते हैं, सिलिकॉन जेल्स होते हैं, कुछ ऑयल बेस्ड होते हैं। इसके अलावा अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, आपको चेरी और स्ट्रॉबेरी और जैसे एलोवेरा है और इसमें इलोंग है, तो इनका क्या रोल है मैं सब आपको इसमें बताने वाला। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक सेंसुअल जेल है और इसमें इलोंग एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है। इलोंग एक्सट्रैक्ट या फिर गुआराना या फिर एलोवेरा या इसी तरह के जो एक्सट्रैक्ट हैं, साथ ही जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इस तरह से कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है कि जब ये के इंटीमेट एरियाज पर रब किए जाते हैं मेल पार्टनर के खासतौर से, तो ये उसकी सेंसेशन को बढ़ा देते हैं, आप ऑर्गेज्म को बेहतर तरीके से फील करते हैं, साथ ही जो आपकी पार्टनर है उसको भी अच्छा लगता है, उसकी सेंसेशंस में भी इम्प्रूवमेंट होता है। इसके अलावा न सिर्फ ये वजाइनल इंटरकोर्स के लिए यूज होते हैं, बल्कि ये एनल इंटरकोर्स और ओरल सेक्स के लिए भी यूज होते हैं। ओरल सेक्स में इनका और भी ज्यादा रोल बढ़ जाता है, क्योंकि जब ये इंटीमेट एरियाज पर रब किए जाते हैं तो ये वहां की जो ऑडर है, यानी कि जो गंध है, उसको मास कर लेते हैं। और ये जो इलोंग है, ये एक एफ्रोडिजियक के तौर पर यूज होता है। तो जब ये आपकी पार्टनर के अंदर जाता है या आपके अंदर जाता है, गाइस ये मैं क्लियर करूंगा बाद में कि ये कोई खाना नहीं है कि आप इसको खा लेंगे, लेकिन जो थोड़ी बहुत मात्रा भी आपके अंदर जाती है और इसकी जो गंध है वो आपको एक्साइट करती है, आपके पार्टनर को एक्साइट करती है और आप ऑर्गेज्म को बेहतर फील करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, अगर मैं पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट की बात करूं ड्यूरेक्स की, तो ये एक वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट है, यानी इसका जो बेस है वो वाटर। इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये दाग धब्बे नहीं छोड़ता है। इसके अलावा ये पूरी तरह से सेफ है, स्किन पे भी सेफ है, किसी तरह का ज्यादातर लोगों को इससे कोई इरिटेशन नहीं होता है और इसको आप बहुत इजीली पानी से वॉश कर सकते हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर है, ये वाला जेल, ये 2-in-1 है, यानी ये लुब्रिकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं, इंटीमेट एरियाज की सेंसेशन को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, साथ ही आप इसको मसाज के लिए भी यूज कर सकते हैं, फुल बॉडी सेंसुअल मसाज के लिए। आप अगर एक पुरुष हैं तो आपकी मसाज अगर आपकी पार्टनर करेगी, या अगर आप एक फीमेल की मसाज इसे करना चाहें तो आप दोनों को एक बेहतर अनुभव देता है। ये पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल है, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि इसको सिर्फ लड़के यूज कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं, लड़कियां यूज कर सकती हैं, लड़के यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, दोनों इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस प्रोडक्ट का यूज कैसे करना है, तो गाइस वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वेरिएंट्स के बारे में जान लेते हैं। ये सेम लुब्रिकेटिंग जेल है जो मसाज के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। ये एलोवेरा फ्लेवर में भी अवेलेबल है, इसके अलावा ये गुआराना के साथ भी अवेलेबल है, जो एफ्रोडिजियक के तौर पर यूज होता है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्रेग्रेंस पसंद नहीं होती, या फिर वो इलोंग की फ्रेग्रेंस नहीं पसंद कर रहे हैं, तो उनके लिए ऑर्डर लेस भी आते हैं, जैसे कि टिंगलिंग जेल है, वो उसमें कोई गंध नहीं होती है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी है और चेरी फ्लेवर में आपको ये मिल जाएंगे। ये कुछ बेसिक हैं जो मैंने आपको वाटर बेस्ड बताए हैं। अब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल का तरीका क्या है। तो गाइस, ये बहुत ज्यादा थिक नहीं होता है, बहुत ज्यादा रनी भी नहीं होता, यानी ये बहता भी नहीं है। आप इसको कंडोम से पहले भी यूज कर सकते हैं, यानी सीधे डायरेक्टली स्किन पर यूज कर सकते हैं, और चाहे आप कंडोम पहनने के बाद कंडोम पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको देखिए, जैसे कि आप देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी बहुत सुपर है, बहुत अच्छी है। आप यहाँ पे देखिए, तो ये बिल्कुल एक जेल है, और इसको आप स्प्रेड कर दीजिए अपने अपने पार्टनर के इंटीमेट एरियाज पर, अपने इंटीमेट एरियाज पर, और ये आपको एक बेहतर अनुभव देता है। आप देखिए कि इसकी जो लेयर है,
वो काफी अच्छी बन रही है। और साथ ही गाइज मैं जो इसकी फ्रेग्रेंस फील कर पा रहा हूँ ना, वो बहुत ज्यादा पंजेंट नहीं, बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, बहुत ही लाइट इसकी फ्रेग्रेंस रखी गई है। तो जो लोग ज्यादा पंजेंट स्मेल से एकदम घबरा जाते हैं उनको ये एक अच्छा अनुभव देगा। और मैं कहना चाहूंगा कि ये बेहतर है और एक सस्ता विकल्प है और आपके जो इंटीमेट एक्सपीरियंस है उसको बेहतर बनाता है। ये वाटर बेस्ड है और ये कंडोम के साथ या दूसरे टॉयज के साथ पूरी तरह से सेफ है, आप इसका यूज कर सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात है जो एक सवाल पूछा जाता है कि ये अगर हमारे अंदर चला जाएगा, हम इसको खा लेंगे तो क्या हमारा कोई नुकसान होगा, क्या साइड इफेक्ट है? तो नहीं गाइज, इसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं, बट ये कोई खाना नहीं है कि आप इसको क्वांटिटी में अच्छी खासी अमाउंट में कंज्यूम करा जाएंगे, बल्कि आपके अंदर ये थोड़ा बहुत अगर ओरल सेक्स के दौरान जा रहा है तो उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर हम इसकी डाउन साइड की बात करें तो एक तो ये जल्दी सूख जाता है, अगर खासतौर से हवा चल रही है या फैन ज्यादा तेज चल रहा है तो ये जल्दी सूख जाता है। इसके अलावा आंखों के लिए काफी एलर्जिक हो सकता है, तो आंखों से आपको इसे बचाना है, आंखों के कॉन्टेक्ट में आने से बचाना है। और इसके अलावा कुछ लोगों को इससे इरिटेशन हो सकता है, तो अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो बहुत बड़े एरिया में इसको न यूज करें, पहले कुछ देर थोड़े एरिया में लगा के देखें, अगर कोई इरिटेशन होता है तो तुरंत इसका यूज डिसकंटिन्यू कर दें। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि इसको कितनी देर बाद जो है धोना चाहिए और क्या धोने के बाद इसकी फ्रेग्रेंस चली जाती है, कोई डिटेक्ट तो नहीं कर लेगा वगैरह वगैरह, ये भी जानते हैं। तो गाइज इसको ऐसा धोने की कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इमीडिएटली इंटरकोर्स के बाद धो देना है या यूज करने के फौरन बाद धो देना है, आपके लिए सेफ है, आप इसको कितनी देर तक भी लगाकर रख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि क्या धोने के बाद इसकी स्मेल पूरी तरह से चली जाती है, मोस्टली इसकी स्मेल पूरी तरह से चली जाती है और ये किसी तरह का एम्बैरेसमेंट आपके लिए क्रिएट नहीं करता है। तो गाइज आज की वीडियो में तो इतना ही। गाइज मैं डॉक्टर अयूबी और आपके लिए अक्सर इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। सिलिकॉन कंडोम्स पर भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप मेरे चैनल को ब्राउज कर सकते हैं और वहां पर आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं।